आपने यूं तो पेड़ से कई फल तोड़कर खाए होंगे, जैसे आम खाया होगा, अमरूद, लीची, सेब, अनार, न जाने क्या क्या। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि पेड़ से एक औरत तोड़ दीजिए तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचेंगे कि भला औरतें कब से पेड़ पर उगने लगी। लेकिन ये सच है, थाईलैंड में वाकई औरतें पेड़ पर उगती हैं। थाईलैंड के हीमाफन जंगलों में ऐसे पेड़ देखे गए हैं जिन पर महिलाओं के आकार के फल लगते हैं। महिलाओं के आकार के इन फलों का स्वाद कैसा होता है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन बौद्ध मान्यताओं में इनका बड़ा महत्व है। थाईलैंड में इन पेड़ों को नेरिफन कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पेड़ यहाँ खुद भगवान इंद्र ने लगाए थे। कहते हैं कि इंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ रहा करते थे। एक बार उनकी पत्नी फल तोड़ने गई थी जब कुछ लोगों ने उन्हें परेशान किया। उनकी रक्षा के लिए इंद्र ने नेरिफन के 12 पेड़ लगाए जिन पर उनकी पत्नी की तरह दिखने वाले फल लगे थे। इंद्र ने ये पेड़ इसीलिए लगाए ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। कहा जाता है कि जो भी इन फलों को अपने साथ ले गया और इनके साथ संबंध बनाए वो 4 महीनों तक सोते रहे और उनकी सारी शक्तियां भी छिन गई। हालांकि एक दंत कथा और कही जाती है, ये भी भगवान इंद्र से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर इंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन यहाँ पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, तो अपनी पत्नी को राक्षसों से बचाने के लिए इंद्र ने यहाँ पर 12 पेड़ लगाए थे। अब इसमें से कौन सी कहानी सच्ची है ये तो नहीं पता, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इन बातों को मानते हैं। आपको बता दें कि आज भी यहाँ के पेड़ों पर औरत के आकार के फल लगते हैं, जो अपने आप में काफी अनोखे हैं। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं है कि ये फल हैं या फिर कुछ और हैं, लेकिन ये वाकई हैरान करने वाला है। साथ ही इन फलों का स्वाद कैसा है ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि इन फलों को खाया नहीं जाता। वैसे थाईलैंड की और भी बातें हैं जो काफी अनोखी हैं। थाईलैंड का मतलब फ्रीलैंड होता है और इससे पहले सियाम देश के नाम से इसे जाना जाता था। इस देश पर कभी भी किसी का कब्जा नहीं रहा। यहाँ के लोग अपने शरीर में माथे को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। थाईलैंड में 95% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा थाईलैंड में ही पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर जानवरों को काफी ज्यादा माना जाता है। थाईलैंड में संवैधानिक राजतंत्र है और यहाँ के लोग भगवान की तरह अपने राजा और रानी की पूजा करते हैं। बैंकॉक दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में से एक है और यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म महीना अप्रैल का होता है। इस महीने में थाईलैंड में सोंग्रीन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो इंडिया के होली फेस्टिवल से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें रंगों की जगह पानी का इस्तेमाल होता है। खैर, आज तो आपने जाना ऐसे जंगल के बारे में जहाँ पर औरतों के शरीर के आकार के फल लगते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए अमर उजाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।